नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। नीलकंठेश्वर मित्र मंडल द्वारा सोमवार को शंकर मंदिर से निकलने वाली शाही सवारी को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली है। पूरे नगर को सजाया गया है। साथ ही समिति के सदस्य गौतम गहलोत से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र ये रहेंगे। मंडल द्वारा काफी जोर शोर से तैयारी की गई है, जिसमें मेन स्वरूप रहेगा बाबा की पालकी। अपने भक्तों के कंधों पर पालकी में विराजित बाबा अपने पेटलावत की जनता का हाल जानने निकलेंगे, जिसमें राजस्थान के मशहूर ऊंट जो अपने दो पैर पर नाच कर करतब दिखाएंगे। साथ ही झाबुआ जिले के फेमस नासिक ढोल एवं धार जिले के प्रसिद्ध अखाड़े और 20 घोड़ों पर ध्वज हाथ में लिए धर्म रक्षक साथ में चलेंगे। उसी के साथ बाबा की पालकी रहेगी, साथ ही ढोल नगाड़े वगैरह एवं अन्य कई प्रकार के कड़ाबीन तोप उज्जैन से रिंगनौद की मशहूर घोड़ सवार जो कि अपने दो पैरों पर नाच कर नृत्य दिखाएंगे। आपके द्वारा यह कार्य कितने वर्षों से किया जा रहा है? नीलकंठेश्वर मित्र मंडल द्वारा विगत 7 वर्षों से शाही सवारी निकाली जा रही है। हमारे मंडल द्वारा यहाँ पर राम रोटी सेवा भी दी जाती है, जो निःशुल्क निसहाय लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। जिसमें इसी प्रकार कई धार्मिक आयोजन है जो नीलकंठेश्वर द्वारा किए जाते हैं। पेटलाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? पेटलाद की जनता और आस पास के सभी धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर भव्य शाही सवारी में बाबा के दर्शन लाभ लेवे एवं धर्म का लाभ लेवे। पेटलावत से गोपाल राठौर के साथ अर्जुन ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।